सूर्यवंशी ट्रेलर। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर सूर्यवंशी का ट्रेलर 2 मार्च को रिलीज होगा, इस बात की जानकारी अक्षय ने ट्वीट करके दी है। एक्टर ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर एक ट्वीट किया है, इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर सूर्यवंशी के ट्रेलर को लेकर लिखा है, क्या आप एक्शन पैक सुपर कॉप की कहानी को देखने के लिए तैयार हैं? सूर्यवंशी ट्रेलर का ट्रेलर कल रिलीज होगा। अक्षय कुमार के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी पहले 27 मार्च को रिलीज होने वाली थी, हालांकि अब यह फिल्म 24 मार्च को रिलीज होगी। इस बात की जानकारी भी अक्षय कुमार ने ट्वीट करके दी थी। सुपर कॉप सीरीज की इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं। यह एक कॉप जॉनर की फिल्म है। इससे पहले रोहित शेट्टी ने सिंघम फ्रेंचाइजी में अजय देवगन और सिम्बा में रणवीर सिंह को पुलिस अफसर के रोल में पेश कर चुके हैं। इस बार उन्होंने अक्षय कुमार पर यह दांव खेला है। अब देखना यह है कि रोहित शेट्टी का यह दांव कितना काम करता है, रोहित शेट्टी की यह फिल्म बड़े पर्दे पर धमाल मचा पाती है या नहीं। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी पिछले कुछ समय से फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म के साथ ही अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि इस कॉप फ्रेंचाइजी फिल्म के क्लाइमैक्स में पहले और दूसरे पार्ट के स्टार्स भी नजर आएंगे। अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के साथ ही रोहित फैंस के लिए मेगा क्लाइमैक्स तैयार कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के अनुसार रणवीर, अक्षय और अजय के अलावा रानी मुखर्जी भी इस फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार रोहित शेट्टी अपनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग महिला पुलिस को भी चाहते थे। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म के विलेन के साथ अक्षय, अजय और रणवीर के अलावा रानी मुखर्जी भी अपने अंदाज में भिड़ते हुए नजर आएंगी। रानी इससे पहले फिल्म मर्दानी 2 में फीमेल कॉप का किरदार निभा चुकी हैं। इससे पहले इस फिल्म के पहले पार्ट में भी उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। अक्षय कुमार के पास हैं कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार ने पिछले साल 4 सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। वे इस साल भी काफी बिजी हैं और सूर्यवंशी, बेल बॉटम, पृथ्वीराज और बच्चन पांडे जैसी फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं। अक्षय फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में एक बार फिर कियारा आडवाणी के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वे फिल्म गुड न्यूज में उनके साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा फिल्म पृथ्वीराज से मानुषी छिल्लर अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने जा रही हैं, वहीं सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के अपोजिट कटरीना कैफ नजर आएंगी। दोनों सितारे लंबे समय बाद एक साथ काम कर रहे हैं। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी पिछले कुछ समय से फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म के साथ ही अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि इस कॉप फ्रेंचाइजी फिल्म के क्लाइमैक्स में पहले और दूसरे पार्ट के स्टार्स भी नजर आएंगे। अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के साथ ही रोहित फैंस के लिए मेगा क्लाइमैक्स तैयार कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के अनुसार रणवीर, अक्षय और अजय के अलावा रानी मुखर्जी भी इस फिल्म के क्लाइमैक्स में नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार रोहित शेट्टी अपनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग महिला पुलिस को भी चाहते थे। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म के विलेन के साथ अक्षय, अजय और रणवीर के अलावा रानी मुखर्जी भी अपने अंदाज में भिड़ते हुए नजर आएंगी। रानी इससे पहले फिल्म मर्दानी 2 में फीमेल कॉप का किरदार निभा चुकी हैं। इससे पहले इस फिल्म के पहले पार्ट में भी उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। अक्षय कुमार